पिशावरी कढ़ाई की जो खासियत है ना जनाब, वो यही है कि उसके अंदर बहुत सारे 70 मसाले नहीं जाते। मैं डाल रही हूँ उसके अंदर हमारी हरी मिर्चें, इसको लगा देना है दम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है भाई जनाब। आई होप सब अच्छे से हैं, मजे में हैं, अपने घरों में खुशपाश, आमीन। आज का ब्लॉग जो है ना भाई, माजरत बहुत बहुत बिजी चल रहा है, मेरी कुछ चीजें चल रही हैं यहाँ पर एंड काम भी काफी चल रहा है। और अभी जो हूँ ना, मैं बना रही हूँ फटाफट से जो है ना, सामान देख रहे हैं यहाँ पर। प्लान क्या है, प्लान ये है कि मुझे जाना है आज, हम बड़ी जबरदस्त जगह पर जा रहे हैं जिसको मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा कल। ठीक है जी, तो कल मैं मिलूंगी, अच्छे से अपनी शक्ल भी दिखाऊंगी और थोड़ी सी बातें शाते भी करेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी जल्दी जो है ना, मैंने कहा मैं कुछ खाना बना लूँ, क्या करूँ, क्योंकि जो है मुझे अभी नहाना भी है, तैयार भी होना, और मरने का उम्र तो कहते हैं रहने दो भी, खाना बना देर हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं यार, पहले जो है ना खाना बना लेते हैं, झटपट सा कुछ तैयार करती हूँ मैं फटाफट। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने कहा भाई पिशावरी कढ़ाई बना लेते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे हैं अगर जल्दी जल्दी कहीं जा रहा है इंसान, इतना परेशान है ना, और टाइम नहीं है, तो कढ़ाई कौन बनाता है। लेकिन जनाब कढ़ाई तो वाहिद ऐसी चीज़ है जो बड़ी झटपट बन जाती है, और आज जो हम बना रहे हैं ना कढ़ाई, वो है पिशावरी कढ़ाई। अब आप देखें, मैं आपको सामान बताऊंगी ना तो पता लग जाएगा कितनी कम चीजें इसके अंदर जाती हैं, और बस रख के इसको भून देंगे और खत्म कहानी। ठीक है जनाब, तो जल्दी जल्दी बताती हूँ क्या कहानी है सारी। चिकन मैंने थोड़ी सी ली हुई है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं। और पिशावरी कढ़ाई की जो खासियत है ना जनाब, वो यही है कि उसके अंदर बहुत सारे 70 मसाले नहीं जाते, सिंपल सी बनती है, हरी मिर्चों में, काली मिर्च के अंदर अदरक का स्वाद देगी, चिकन का अपना जो जायका है ना वो आएगा। ठीक है जनाब, तो जल्दी से बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है जी, मैंने तैयार करा हुआ यहाँ पर ऑयल, और आ गई है नवारा मेरी मदद के लिए फटाफट। तो जनाब ये ऑयल है, मैं सबसे पहले से डालने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है अदरक लहसुन, आप चाहें तो पेस्ट ले लें, मुझे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी कूट लिया था खुद ही, और मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ, ये आप लोगों को पता है। ये इससे बड़ी टिप ना मैं आप लोगों को दे ही नहीं सकती, खाना अगर अपने जायका बनाना है ना, उसके अंदर एक अलग फ्रेशनेस लानी है, तो बस अदरक लहसुन ना फ्रेश ले लें। मुझे पता है आसान नहीं होता हर दफ़ा, और जो आपके लिए आसानी है ना, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं यू नो बॉटल वाला भी लोग यूज़ करते हैं, जो दिल करे करें, कोई मसला नहीं है, किसी का कोई हक नहीं है जनाब किसी को कुछ भी कहने का या ये बोलने का कि ये सही और गलत। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने मसले मसाइल हैं, सही कह रही हूँ ना। ठीक है जी, तो खैर मैंने ले लिया है ये फ्रेश अदरक लहसुन यहाँ पर, बस इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, ठीक है, ज़रा सा ताकि जो इसकी खुशबू है ना। और अब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी बिल्कुल आँच जो है ना तेज, ठीक है। और मैंने कढ़ाई ले ली आज, मैंने कहा चलें कढ़ाई बना रहे हैं तो क्यों ना कढ़ाई के अंदर ही बनाई जाए। हालांकि जो मेरा फेवरेट पॉट तो आपने देखा है, कई दफ़ा देखा है मुझे, वो उसमें बड़ा पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्या खासियत है उसके अंदर, खाना मज़े का बनता है। ठीक है चलिए भाई जनाब, डाल देते हैं हमारी चिकन, ठीक है जी। ये मैंने धो के, कलमा पढ़ के, पाक करके एज यूजल रखी हुई है, और जनाब इसको ले लिया। अच्छा ऑयल मैंने लिया क्योंकि कढ़ाइयाँ बनती हैं, कोरमे बनते हैं, तेल कम नहीं जाता, ये रियलिटी है। अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर आप चाहें तो असली घी में भी बना सकते हैं, जो दिल चाहे, ठीक है। अक्सर लोग जो है इसको पिशावरी कढ़ाई को असली घी में भी बनाते हैं, और स्वाद ही बन जाता है उसका जो अलग ही, ठीक है ना जनाब। मैं ऑयल में बना रही हूँ फटाफट, मैंने जैसे कहा कि मुझे इसको इतनी जल्दी लगी हुई है ना। बस ये खाना बना के जो है ना मैंने जाना है, चेंज करना है, तैयार होना है, और फिर उसके बाद जो है ना खाना वाना खा के बस हम फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर वो व्लॉग आप देखेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है जी। और बड़ा ही स्वीट सा व्लॉग है, एक बहुत ही खास व्लॉग है, क्योंकि अरे अभी कैसे बता दूँ, क्योंकि कल बताऊँगी क्यों और वाह और वाहे। सब बताऊँगी कल ही, ठीक है जी। चलें भाई चिकन को करते हैं जल्दी से फ्राई, करते तेज़ आंच पर सारा काम करेंगे फटाफट, और ये तेज़ आंच में बनेगी, उमर के लिए और अपने लिए बना रही हूँ। आप लोग बोलेंगे क्यों भाई, बच्चे क्या खाएंगे, अभी बताती हूँ बच्चे क्या खाएंगे। तो जनाब बच्चे खाएंगे ये देखिए, गरम गरम पास्ता, जी हाँ, जो कि मैंने अभी इसे थोड़ी देर पहले ही बनाया, और मैंने शेयर इसलिए नहीं करा क्योंकि आप लोग इतनी दफ़ा देख चुके हैं पास्ता की रेसिपी कि मैंने कहा आप लोग भी पक जाएंगे ना। और लेकिन रियलिटी यही है कि मेरे घर में पास्ता और पनीनी, ये दो चीज़ें भाई माशाल्लाह खैर बहुत बनती हैं और सबकी फेवरेट होती है। बस जब कुछ भी नहीं हुआ ना, जो वर्किंग हाउस होल्ड होते हैं ना, उनके अंदर ये झटपट खाने वाली कहानियाँ बड़ी होती हैं भाई, ठीक है जी। चलें इसको जल्दी से फ्राई करते हैं तेज़ आंच पे, जैसे इस पर बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा हम अपनी बाकी की सारी चीज़ें इस तरह डाल देंगे, ठीक है। अच्छा भी जनाब ये देखें, आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर जो है ना वो कलर वलर आ गया है हमारी चिकन के ऊपर अच्छा सा, ठीक है। और मैंने इसको खूब तेज़ आंच पे जो है ना वो फ्राई कर लिया है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर टमाटर, ठीक है। टमाटर जो है ना वो डाल देंगे ऐसे कर, जैसे इनका छिलका जो है ना, जैसे इनको स्टीम लगेगी ये छिलका, बड़े बड़े छिलके पूरी निकल आएंगे, आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं और कहानी खत्म, ठीक है जी।
मैंने जैसे बोला मसालों में सिर्फ नमक काली मिर्च जाएगा, तो वो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि जो ये पकते हुए ना इसके अंदर जो है ना ये एब्जॉर्ब करे फ्लेवर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, पता है हर दफ़ा ना मसाला और खा खा के भी बंदा वैसे सड़ पाता है ना, कि मुझे खुद मुझे बहुत पसंद है ये, तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे कितना पसंद है स्पाइसी खाना और मसाले और ये वो। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि आप ना थोड़ा सा लाइट खाएं, और फ्लेवर जो है ना रियल चीज़ का, जब हम मसाले डालते हैं मज़े का तो बहुत लगता है, ये सच है। लेकिन चिकन की जो सारी जो फ्लेवर है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ओवर पावरिंग हो जाते हैं सारे मसाले उसके ऊपर, और आपको ये नहीं पता चल पाता कि चिकन का असली फ्लेवर क्या है ना। तो तब ने कहा चलें भाई आज थोड़ा चेंज जो है ना वो ये काम कर लेते हैं, ठीक है। और पेशावरी कढ़ाई की खासियत यही है कि इसके अंदर जो है ना अपना चिकन का बड़ा ही खूबसूरत सा फ्लेवर रहता है मौजूद, आप चिकन को टेस्ट कर पाते हैं। और टमाटर की हल्की हल्की सी ग्रेवी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ दिल करे ना जनाब खा लें, ठीक है जी। आप लोग बताएं आप लोग का संडे कैसे गुजर रहा है भाई, क्या पकाया जा रहा है आज किचन में। संडे का दिन बड़ा ख़ास होता है, सारे घर वाले घर में होते हैं, सबकी फरमाइशें चल रही होती हैं, सबको लगता है कि आज तो हम डिज़र्व करते हैं बढ़िया सा खाना, है ना। इससे पहले दोबारा से जो है ना काम पे लगे पूरे हफ्ते के लिए, सब कहते हैं हम किसी तरह से अपने आप को सेलिब्रेट कर लें, इन्जॉय कर लें, है ना जी। और सबकी तान टूटती किस चीज़ पर है, खाने पर। खाना जो है ना जनाब बस वो आपको जैसे कहते हैं ना चेयरअप कर देता है हर चीज़ में, और हम लोग खासतौर पर जो साउथ एशियन फैमिलीज़ और साउथ एशियन कम्यूनिटीज़ हैं ना उनका तो सारा कुछ शुरू भी खाने से और ख़त्म भी खाने से ही होता है जनाब, तो ये रियलिटी है। सेलिब्रेशन हो या खुदा ना खास्ता दुख हो, खाना जो है ना बस वो रहता ही रहता है हर चीज़ के अंदर। ये देखें टमाटर, देख रहे हैं कैसे इसके छिलके कितना सॉफ्ट होने लगा है ना, ये भी थोड़ी देर में ऐसे होगा, ये देखें बल्कि अभी देखें कैसे निकल रहा है ना। ये देखें मैं बस इसको अभी इसको देखें मैंने करा है इसको, ये देखें पूरा छिलका, मैं अगर इसको लेके जाऊँ ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, करीब करती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें, ये देखें जनाब आप देख रहे हैं कितने आराम से इसका छिलका उतर आया ना। कि सारे टमाटर से छिलका उतारने वाली हूँ, ठीक है, और इनको करने वाली हूँ साइड में, ठीक है। बस उससे फ़ायदा क्या है, छिलकों के अंदर भी ना जायका होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये मैंने देखा है। तो मुझे इसलिए ना छिलके उतार के पकाने में जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्लेवर थोड़ा सा उसका कम हो जाता है, ये देखें, ठीक है। तो जनाब मैं अब उसको ऐसे उतार रही हूँ फटाफट, ये देखें कितने आराम से यार, क्या ट्रिक है ना जी। बड़े ही टुकड़े डालिएगा, क्योंकि अगर आपने छोटे टुकड़े डाले ना तो फिर तो वो मुश्किल है, क्योंकि फिर जो है ना आपको निकालने में ज़रा मुश्किल हो जाएगी। और इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है, यकीन करें इतनी अच्छी सी कढ़ाई की, मैंने अभी ऑयल इसमें ज़्यादा डाला है, क्योंकि जो शावरी कढ़ाई कह लें कोई भी कढ़ाई कह लें वो नहीं बनती अच्छा, पता है मज़े की नहीं बनती अगर ऑयल कम हो तो। आप बाद में भले ऑयल थोड़ा सा निकाल के फिर सब सर्व करने लगे तो भले कम कर लें, पर पकाएं आप उसी के अंदर ही, ठीक है। तो चलें जनाब जिस जिसका भी कम होता जा रहा है ना, सॉफ्ट हो रहा है, तो मैं वो निकाल रही हूँ, ये देखें मैंने ये भी निकाल लिया, ठीक है जी। अच्छा हाँ, आजकल पता है क्या, मैं एक बड़ी ज़बरदस्ती किताब पढ़ रही हूँ, मैंने कहा मैं चलें आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। एक ज़बरदस्त CEO है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी जर्नी है एंड हाउ शी डिड इट, एंड वो कैसे एक छोटे घराने से जो है ना वो इतनी बड़ी जगह पर पहुंच जाती है, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ वेरी बिग कंपनी, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करना, बड़े ओहदे पे पहुंचना, तो मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इंस्पायरिंग लगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और एक दिन जो है ना वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा जनाब, स्टोरी टेलिंग का दिन, कहानी कहानी सुनाने वाला दिन, ठीक है ना। तो वो मैं ज़रूर अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी YouTube फैमिली में बहुत प्यारी प्यारी लेडीज़ हैं, बहुत प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं, और मेरा दिल है कि मैं उनसे ये बातें शेयर करूं। जो भी अच्छी चीज़ मैं पढ़ रही हूँ या मैं समझती हूँ या सीखती हूँ, तो मेरा दिल करता है ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए मैं जनाब, आप देख रहे शक्ल कैसे आने लगी है ना, प्यारी प्यारी से आने लगी है। मैं इसको ज़रा और भूनती हूँ और फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ जब ज़रा ये आता है भुनाई की तरह, ठीक है जी। अच्छा भाई जनाब, ये देखें आप शक्ल देख रहे हैं, क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त आ गई है, बिल्कुल पक गई है कढ़ाई। मैं इसको बस दम देने जा रही हूँ, तो मैंने इसमें क्या डाल देना है, ठीक है जी, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हमारी हरी मिर्चें, ठीक है, इसको फ्लेवर देने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये देखिए मेरे पास अदरक वगैरह है, तो मैंने ना वो डाल देनी है खूब अच्छे से। आप लोगों को पता है अदरक के बगैर कढ़ाई का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, तो ढेर सारी और मेरे पास यहाँ पर है जनाब, थोड़ा सा धनिया, ठीक है जी, ये मैंने डाल करना ज़बरदस्त था, इसको लगा देना है दम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं इसको लगाऊंगी दम सिर्फ 5 मिनट के लिए, ये बिल्कुल रेडी है,
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जैसी अदरक और धनिया गया तो बस पूछा ही मत, उसने चार चांद लगा दिए इस कढ़ाई को, बहुत ज़बरदस्त सी है। इसको हम चपाती के साथ खाएंगे, उमर नान भी लेकर आए हैं तो जो उमर का दिल करेगा। लेकिन इसका टमाटर का भी फ्लेवर आपको आएगा, इसके अंदर अदरक का, चिकन का, सारी चीज़ों का। तो जनाब देखें हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है, तो मैं लगाने जा रही हूँ इसके अंदर दम ज़बरदस्त किस्म का। और जनाब फिर जाती हूँ, तैयारी करती हूँ, तैयार होती हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने जा रही हूँ। मुझे पता है बड़ा अच्छा लगता है यार, मेरा भी दिल करता है मैं आप लोगों से मिलूँ, आप लोगों को शक्ल दिखाऊँ, आप लोगों को भी देख लेती हूँ इसी तरह से। लेकिन आज जरा जल्दी जल्दी है, लेकिन कल मिलते हैं ना, कल गप्पे लड़ाते हैं, आपको अच्छी सी जगह पे लेके जाऊंगी, फिर ढेरों बातें करेंगे, ठीक है। आपने अपना ख्याल रखना है, इस कढ़ाई को एंजॉय करें, स्क्रीन के थ्रू ही खाएं, आइस के थ्रू खाएं, आंखों के थ्रू खाएं, जैसे खाना है खाएं, इसको बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की लगेगी, ठीक है जनाब। टेक केयर मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज, बाय।